सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं प्रातःकाल उठ करके, क्योंकि देवताओं के अधिपति हैं, समूहपति हैं। गण का मतलब समूह, जन गण मन अधिनायक जय है, जो समूह है उनके स्वामी हैं, अधिपति हैं। एक गणपति का स्मरण करने सारे देवताओं की गणपति स्मरण हो जाता है, एक गणपति का पूजन करने सब देवताओं का पूजन हो जाता है, इसे गणपति को स्मरण करते हैं। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोगजकर्णकालम्बोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्नादक्षो भालचन्द्रो जानन द्वादशयुतानि नामानि अपठेष्णुमादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संघटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सुशीलवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय येषामिन्द्रियवृश्यामोदयस्तोऽपि जनार्दन अभीर्षितादसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुर शर्व विघ्ना हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। स्थितिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीनगरवाभ्यां नमः। स्थितिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ शिखाबन्धनम्, चोटी के गांठ लगाइए या उस स्थान को स्पर्श कर लीजिए। सरसिका बन्नान्ते साम तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरो रूपावे सहस नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। संकल्पम कुर्यात् ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बदखंडे जमुदीपे शालिवान साके बोधावतारे समश्रे समुद्र में कोसम दोजागम फाल्गुन मासे कृष्ण विखेयास्तु चतुश्याम प्रांति मौश्याम ताम हेतु स्वानम स पूर्वतम गुरु दीक्षा प्राप्त निमित्तम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोलिए त्वाम शिष्यतम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत गांठ वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञाम परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वाम देह मम देह त्वाम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सतुभ्यम संपर्द देहे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामि नमः। यज्ञोपवित हो तो ऊंचा उठाइए, शूल की तेजस्विता को प्राप्त करिए। ओम यज्ञताम पूर्वा चक्षुरे वहितम पुरस्ताक्षता पश्येन्द्र सरदा सन्जीवे मसदास्त घोषणया मसदा सत पब्रवा मसदा सबन्ना श्याम मसदास्त भूयश्च सरदा सतात यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतिरिय सैद्यम पुरस्ता आयुषमुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम महियामि। गले में पहन लो। गुरुं प्रार्थयेत, आ जोड़ के गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा नूगं करोति वाचालं पंगुलं यदेगिरिं यत् कृपानुमन्दे परमानंद माधवं गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरु मंत्रं विद्यातः, मैं बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को मेरे साथ बोलें और नित्य चार माला गुरु मंत्र जाप की करें अपने जीवन में। इसलिए करें कि पनन गुरु में जाप मत करिए और देखिए पनन कैसे बीत रहे हैं, फिर रोज एक चार माला करके पनन वो देखिए, फिर तुलना करिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कार्य की सुविधाओं में, आपके जीवन में, आपके दैनिकचर्या में। आप उसको चेक करिए, टेस्ट करिए। आप बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादौ चेतना मंत्र सुनाई था ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। तत्रादौ गायत्री मंत्र सुनाई था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब पुण्यात् पाम सा गुरु मंत्र सा नित्य चतुर्थ मंत्र जाप था पवित्रस्वान चतुर्माल्येण मंत्र जापनम पूर्ण शुद्धि ताम सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त निमित्त मनोकामना आर्थिक भौतिक उन्नति प्राप्त निमित्त आध्यात्मिक जीवनोपरि सपारमिष्ठिता तुभ्यम संप्रदेत आशीर्वादम पठेत। आ खोलिए।
मंत्रार्था सफला सन्तु गुणां सन्तु मूर्धा शत्रुणां नाशोऽस्तु मित्राणां दिष्ट्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं नन्ति तशत्रुवान् अक्षतां प्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति येन्द्रा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीर्वर्चिष्यमानुषमारोग्यं मा विधात्मानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीशते लक्ष्मीशपत्न्यां भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमुष्णो व्यातं मा इष्टनिखाणामिखाण सर्वलोकम् मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं आज से और जीवन पर्यंत जो गुरु ने आज्ञा दी है। और गुरु अगर कोई स्वार्थ की आज्ञा देता मत करिए, गुरु अपने स्वार्थ के लिए कहे तो वो काम मत करिए, मैं आपसे पहले ही आज्ञा देता हूं। मगर यदि आपके हित में वो आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करिए फिर, और अगर मुझे कुछ आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगा। और आपसे भी कुछ और ऊंचे लोग हैं उनसे मांग लूंगा, मुझे कुछ जरूरत है नहीं, मांगता भी नहीं हूं जिंदगी में। मांगता ब्राह्मण हूं तो सैकड़ों बार मांग देता, भिक्षा जीवन में आधा ऐसा खेला ही नहीं, आधा ऐसा ही रहा जिंदगी में, चाहे अभाव रहे चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, मुझे सुख और दुख को व्याप्त होता ही नहीं। हाँ, सुख में बहुत प्रसन्न होता हूं। पलंग घर में बिछा हुआ है तभी 20 साल से पलंग के नीचे चादर बिछा करके चादर पे सोता हूं। जो एक रसोई खाना बनाता है रोज 5-6 सब्जी बनाता है, एक सब्जी और 4 रोटी से 5 रोटी खाता नहीं, बाकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। और इतने शिष्य हैं कि जिंदगी के इससे बच्चे एक एक घर में एक एक बार जाएंगे तो खाना तो खिला ही देंगे, तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। मंत्र घर में रखना है और मैं बताऊंगा, अभी पहले विधि बता देता हूँ, प्रयोग करवा देता हूँ, पहले समझा दूंगा। इसमें काल गुटिका है और दूसरी छोटी है, जीवन गुटिका कहलाती है, यंत्र है। इस यंत्र को अभी मैं जब पूजन करवाऊंगा तो आप और आपके परिवार से संबंधित प्रयोग होगा, और परिवार का मतलब होता है जो आपके ब्लड रिलेटेड है, रक्त से संबंधित है, जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, पुत्र वधु है, बेटी है, माँ और बाप, बस ये परिवार कहलाता है। परिवार के परिवार समय बुआ और चाचा और ताऊ और काका है तो परिवार के ही, मगर मेरे परिवार की परिभाषा मतलब इस दृष्टि से इस प्रकार से पूजन करवाऊंगा। तो आप इस यंत्र को अपने घर के जो चौखट है, जिस कमरे में घुसे हैं या दरवाजे से घुसे हैं, ठेठ बाहर का दरवाजा नहीं, उसके अंदर का दरवाजा, ये तो ठेठ लास्ट गली में गेट होता है, गली के बाद में घर में घुसने का एक गेट होता है दरवाजा, तो दरवाजे की लकड़ी की चौखट होती है या लोहे की चौखट होगी, उस चौखट के ऊपर फिर इसको फिट कर देना, यानी कील लगा देना चारों तरफ और वो लगा देना, आदमी इसके नीचे से जो भी उतरेगा नीचे अंदर आएगा, आप या परिवार जो भी, उस परिवार में किसी प्रकार की अशांति तकलीफ दुख और वेदना नहीं हो और भैरव रक्षा करते रहे, उस दृष्टि से वह यंत्र हमेशा ज्यो ज्यो हवा वहां से स्पर्श होती हुई घर में जाएगी, उस घर में अकाल मृत्यु या कष्ट या बहुत अधिक वेदना या अपघात ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। इसलिए पहले प्रत्येक घर में या तो धागे में बांध के लटका देते थे जिसे हवा स्पर्श हुई अंदर आती थी, या चौखट पे लगा देते थे गणपति की मूर्ति जिसको, इसलिए आप ऐसा कर दें किसी भी अष्टमी को या चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी मतलब 8वीं, पंडित से पूछ लेना अष्टमी कब होती है चतुर्दशी कब होती है, उस दिन इसको लगा दें आप। यहां आप किसी भी मंगलवार को भी लगा सकते हैं, बस सुबह उठे स्नान किया भैरव को हाथ जोड़ा और उसको लगा दीजिए पूजन के बाद में। और गुटिकाएं, ये गुटिकाएं आपके पूजन में रहेंगी, आपका जो पूजन स्थान है वहां रहेगा, जीवन गुटिका भी और काल गुटिका भी। काल का मतलब कोई मृत्यु नहीं होता, काल का मतलब समय होता है, प्रत्येक क्षण हमारा जीवन प्रदायक हो, इन दोनों गुटिकाओं का अर्थ यह है। यंत्र का मतलब है कि भैरव हमारा सभी दृष्टियों से विपत्तियों का नाश करे, कोई तकलीफ नहीं आए, और आए तो सहन करने की क्षमता दे। विपत्तियां तो हर एक जीवन में आती है, राम और कृष्ण और आप मुझ में आएंगी ही, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपत्ति आती नहीं है, मगर हम उसे पार पा लें। कोई जीवन में हमारे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाती है, वो सबसे बड़ा दुखदायी चीज होती है।
बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाए तो कोई दुख नहीं होता, तो बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है, जवानी में तो वापिस शादी हो जाती है, पर बुढ़ापे में केवल वही सहायक या सहायिका होती है। बहुएं बेटे जितना मानते हैं उतना ही मानते हैं, मगर उनके साथ 50 साल जीवन काटा हुआ होता है वो एक अलग बात होती है। तो इस प्रकार के जीवन में कोई क्षति नहीं हो हमारे जीवन में, शरीर सुखी रहे, स्वस्थ हो, घर में संपत्ति हो और राज्य में हमारा सम्मान हो, ये सारे जीवन के प्लस पॉइंट हैं। उस दृष्टि से ये प्रयोग संपन्न होता है और इस प्रकार के अवसरों पर ही ये प्रयोग संपन्न करवाया जाता है। ये तो फिर कभी माइंड में आ गया चलो ये प्रयोग करवा देते हैं, करवा देते हैं, कोई बंदी हुई लकीर पित में चलता नहीं, और माइंड में आया भैरव प्रयोग करवा देना, करवा देना, नहीं होता नहीं होता। कल विचार किया कि बाकी शास्त्र जो संसार के उच्च कोटि के सभ्यताएं हैं और सभ्यताएं समाप्त हो गई, चीन ने तिब्बत पे हमला किया, उसको गुलाम बना दिया, लामा लोग कई मर गए, गोलियों से मार दिया, उनको समाप्त कर दिया, कुछ लामा बचे, मगर फिर भी उनके ग्रंथ जीवित हैं और ग्रंथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन चीजों को भी हमें समझ लेनी चाहिए। अब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो फिर उसको समझाना चाहिए। आप भी उस अवस्था में आए हैं तो मैं 2 साल पहले भी वे प्रयोग या दीक्षा दे सकता था आपको, मगर अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं और मैं भी उस स्टेज पर हूं, मुझे अब दे देना चाहिए जो कुछ है मेरे पास, और आपको भी पूर्ण तक सब, इसलिए मैं वो बात बता रहा था। इस प्रकार से इसका प्रयोग करवा रहा हूं, प्लास्टिक हटा दें और ये यंत्र अपने साथ में हाथ में ले लें, सब बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में यंत्र उंगलियों के ऊपर और गुटिकाएं हथेली के बीच में लेफ्ट हैंड में, आपका ये लेफ्ट हैंड होगा बाएं हाथ। पहले हम एक बार वापस गणपति को स्मरण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतार्थनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय जन्म नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय जन्म विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा श्री महागणाधिपते तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्ष भटखंडे जम्बुदी पे शालिवान सा के बोधा तारे समस्त समय को समता गुजार चपन फाल्गुन मासे कृष्ण मुखी चतुर्दशायाम रात्रो वाराणसी नगरे ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं हो तो अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए मेरा गोत्र क्या है, आपको उसका इतना ज्ञान होना चाहिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए मन में, सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्धि श्याम एतोस्मानम मम समस्त जीवने राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम शिवरात्रि प्रथम दिवसे प्रथम रात्रो ताम पूर्णतम द्वादश भैरव पूजनान्ते सातुभ्यम पूजन प्रयोग मंग करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रोपरि जलम प्रक्षेप, मंत्रों से इसके ऊपर जल चढ़ाइए यंत्र पर, जो तांबे का यंत्र है इसके ऊपर। ओम वर्णश्योतम मनमसी विमनिस्तो वृणश्यतमासीद वृणस्नानम समर्प्यामि नमः। फिर दूध से ओम पया पृथिव्याम पयोघरी उभयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्वति दिशा सन्धुमयम् दधि दधि स्नानम ओम दधिक्रामणे दधि स्नानम समर्प्यामि नमः। घृतस्नानम ओम घृतम मुमुक्षे घृतमशयो मृतेस्तम मृतताम अनुपदमा वहमा रस्वाः कृतम रखभिव्यम् मधुस्नानम छेद मधुवा तारिता यदि मधुक्षरंति सुंदव माधवीन संतवो खरी मधु नक्ता मूत खसो मधुमर पार्थिव गुरुरज मधुस्मृता तत्रा तो शर्करा स्नानम स इखु अस्टेन स्नगात पूर्वा ए तो स्नानम सकते स्नान सुमृना पंचाम स्नानम स्मृत्यामि। ओम पंचम दस सूत्र सरस्त पंच धासो देशे भवसता पंचाम स्नानम स्मृत्यामि।
पुनः गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च विने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु पवित्र स्नान कुर्यात् प्रच्छयामि। दुपट्टा है तुम्हारे पास हो उसे उनको पहुंच लीजिए। तत्रादु काल भैरवाय तो समानुसार सिंदूरम विलेप्य, सिंदूर की भावना में मिला के सिंदूर लगाइए और इसके ऊपर कुल 12 बिंदियां लगाइए सिंदूर की। ओम रुरु भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, जिंदक भैरवाय नमः, दुख दाद विनाशक भैरवाय नमः, तां श्यामांग भैरवाय नमः, तां पूर्वासी तवांग भैरवाय नमः, पूर्व एतो समानुसार पूर्वाय नमः, समस्त द्वाद सभावन भैरवाय नमः, तत्रादु भूमग्रहे पूर्णतः एतो समानुसार मम मनोवाचित कामना सिद्धताय समस्त दोष पितृदोष ताम एतो समानुसार सप्त जन्मनी समस्त दोष परिहारार्थम मम इष्ट कामना सिद्धताय ताम भैरवपूजनम च मनन करिष्ये कुमकुम विलेप्यः। कुमकुम की बिंदी बीच में लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि नमः चावल, ओम अक्षम नमी मन विद्यादिगतम अक्षतांते पुष्पम समर्पयामि नमः, सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादि मयादन पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि नमः, पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्पांते धूपम समर्पयामि नमः, धूपांते दीपम समर्पयामि नमः, दीपांते निवेद्यम समर्पयामि नमः। गुड़ और घी का निवेद्य लगता है भैरव को। ओम नैवनाभ्यासीदीष्णुदर्तम भूमिध श्रोत्रोका तु नैवेद्यम समर्पयामि नमः, नैवेद्यांत दक्षिणा समर्पयामि नमः, दक्षिणांत प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि प्रदक्षिणा पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहिमां पुनरीकाख्य सर्वपाप विदुभव। तत्रादु पूर्णाय तुष्मान् मम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं मम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक शर्माहं ताम सपूर्ण परिवारस्य सहितं त्वां पूजनं च कुर्यात्। तत्रादु जीवन गुटिकां काल गुटिकां ताम स्नानं तानां ते कुंकुम विलेप्यः, कुंकुम लगाइए। अक्षतम समर्पयामि नक्षतांते पुष्पम पुष्पांते धूपम धूपांते दीपम दीपांते नैवेद्यम नैवेद्यांते ताम्बूलम ताम्बूलांते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः, त्वां मम जीवने समस्त प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन तत्रादु प्रत्यसापूर्ण जीवन एतो समानं मम सुख प्राप्त निमित्तं मनोवांछित कामना सिद्धताय एतो समानं स कुर्यात् इतुभ्यं संपादये। तत्रादु पूर्ण प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्। अब आप यंत्र पर नजर रखेंगे, दृष्टि आपके यंत्र के ऊपर रहेगी। मैं मंत्र बोलूंगा, इसमें आपके नाम से आपके परिवार के नाम से प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जिससे कि चैतन्य हो सके, 52 भैरव इसमें स्थापित हो सके। ओम पूर्णाय तो स्वानम शक्ति कल्याण ताम दीर्घ हो तो स्वानम सह सचिंत पूर्वाय स्वाम भैरवाय पूरा घोरेभ्यो थोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याण ताम दीर्घ्याम साम राम 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 भैरवाय ये तो स्वानम सा तो स्वान पूर्वा देव्यो ता पूर्वा स्वानम समस्त नगर रक्षक देश रक्षक राष्ट्र रक्षक मम जीवन रक्षक प्राण रक्षक समस्त परिवार रक्षक पुत्र पौत्र अविचिन्न धारा रक्षक समस्त आगछन तो सा पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याण ताम मम समस्त रोग शोक दुख दाद कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा चिंता मिलता दीर्घ स्व तो स्वर्ण शक्ति कल्याण दीर्घ सा सा पूर्वाय तो स्मानम स दीर्घ मदाम वा पूर्वाय तो स्वर्ण दीर्घ पदा से पूर्वा था पूर्वाय तो स्मानम सतभ्यम इधुमानम रोह निर्वासा प्रति काल भैरवाय काल ओं काल बधि निर्वाय पूर्वाय तो स्वर्णम साकृति जीवनो पाम गुण प्राणाश्वा पानाश्वा ध्यानाश्वा समानाश्वा दीर्घौ सदा पूर्वा सा चिंतयामि कर्ता कल्याण दीर्घ्याम स मम समस्त शरीरे जीवनम पर्यंतम सा रोग शोक दुख दादृष्ट स पूर्ण संघर्ष विजय प्राप्त निमित्त स राजद्वारे सफलता प्राप्त निमित्त सर्वोस्वानुमति पूर्णाभिप्राम पूर्णा पुनरापत शतक कथो सा चिंतयामि सा तुभ्यं संपदे। तत्रादो अभिषेक कुर्यात्, यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए, दोनों आंखें और मस्तिष्क का ललाट भाग। इसी प्रकार से गुटिकाओं को भी अंग से लगा दीजिए। अब आप इसके ऊपर दोनों हाथ रख दीजिए, बाएं हाथ में है दाहिने हाथ में, इसको संपुटित कर लीजिए। मैं ध्यान बोलता हूं। भैरवंता पूर्वा सदावां परिपूर्ण सिंधु कालोयम पर्वतां सहितं सदैव दीर्घोवतां स्थूलतनोर्वदेयम्
ब्रह्म भैरवाय वमसाम परतुष्टयामि ताम भैरवाय मा जीवने पूर्वा मेतो स्वामि सत ब्रह्म भजन भोजते गुरु मुखेन मंत्र प्राप्त आशा पाण दृष्टाम पूर्वकम समस्त मम जीवन अभाव निर्विघ्नता पूर्वकम शांत्यर्थम मम इष्टोपरि कामना सिद्धाय सातव्यम इदमचितम भोजतव्यम संपर्दे तत्रादु मंत्र अध्यात मंत्र तो मैं आपको सही दे रहा हूँ, यंत्र सही दे रहा हूँ, मगर आप करते नहीं है घर पे जाकर के। अगर आप करें तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती ही है। मैं धोती कुर्ता आपको दे दूंगा, पहने ही नहीं तो दिगंबर मुनि बने रहेंगे, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं करें तो मैं क्या करूँगा। आपको करना चाहिए और जिस प्रकार से बताऊँ, जब भी समय मिले तो जरूर नहीं कल ही करें, जो समय मिले उस कार्य को कर लेना चाहिए। यह केवल 11 दिन का प्रयोग है, रोज एक माला करनी होती है सिर्फ, पर 11 दिन तक करनी होती है। और काली अकीक माला से मंत्र जाप होता है, काली अकीक माला हो जो भैरव के काम ही आती है, और उस मंत्र जब पूरा होने के बाद में उस यंत्र के ऊपर उसको लटका देते हैं अपन, और उसके बाद में केवल 12 दिनों के बाद में उस माला को प्रवाहित कर लेते हैं। यंत्र वही रहेगा, गुटिकाएं रहेंगी, माला प्रवाहित होगी, पर 11 दिन तक यंत्र के ऊपर लटकी हुई रहे। आप सर मत करिए, लोग पूछेंगे क्या लटक रहा है, क्यों लटक रहा है। कपड़े में बांध दीजिए काले कपड़े में, फिर ऊपर लटका दीजिए, अस्तर माती हो ऐसा कर लीजिए। मगर 11 दिन तक उसमें मंत्र जाप करिए उसमें, और उसमें तेल का दीपक लगता है, कोई भी तेल हो, और दिए का मुंह हमारी तरफ हो, और लोबान धूप अगर धूप लगाएं तो लोबान धूप उसमें लगता है। सामने काला कपड़ा बिछा दें और काले कपड़े यंत्र रख दें, और यंत्र रख करके सामने गुटिकाएं रख दें, तेल का दीपक लगा दें, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह हो, फिर आप रात्रि को हो और एक माला मंत्र जाप हो, बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैरव अपने आप में जीवन रक्षक हैं। अगर मैं आपका जीवन रक्षक हूं तो मुझसे आप डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके घर में आऊंगा तो आप डरेंगे भी नहीं मुझसे, और ऐसा भी नहीं कि मैं चोरी करके चला जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये कभी अहित नहीं करते, ये हमारे मन में एक भैरव है, न मालूम कैसे हैं, विकराल हैं, तो स्वाभाविक है, मतलब हमारे जो अंगरक्षक होंगे तो विकराल होंगे ही होंगे। हमारे जैसे लूंज पूंज ढीले डाले होंगे तो काम भी क्या करेंगे, होने चाहिए विकराल बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हैं और 11 दिन तक मंत्र जाप होता है, और 11 दिन आपको कर लेना चाहिए, चाहे फाल्गुन में, चाहे नवरात्रि में, चाहे बाद में, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 8 महीने बाद। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी यंत्र लगाने पर आपको वह सारी जो उन्होंने बताया वह सफलता भी मिलेगी ही, मगर प्रयोग भी कैसे होता है वह समझाए आपको। कोई जरूरी आप उसको करें प्रयोग को, मैं करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए सामग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको जो सुविधा हो तब आप कर सकते हैं। स्त्री इसको प्रयोग को नहीं कर सकती, ये ध्यान रखें, क्योंकि भैरव अपने आप में तीक्ष्ण तंत्र महादाय, तो उसमें दोष तो नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसमें साहस क्षमता है और पूर्ण विधान के साथ कर सकती है तो कर सकती है, बालक भी कर सकते हैं, बालिका कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई 5 साल का प्रहलाद भी मुस्लिम को साक्षात कर सकता है, और 200 साल का गर्ग मुनि भी भगवान रुद्र को प्रसन्न कर सकता है। इसे आयु का बंधन कोई नहीं होता, 5 साल का बालक अपने आप में विद्वान नहीं होता, आयु का कोई बंधन नहीं होता, और न पुरुष स्त्री में कोई भेद होता, साधक नहीं साधक। तो आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपका पुत्र भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस गुड़ और घी का इसमें भोग लगाया जाता है, और वह फिर आप खाएं नहीं, उस भोग को आप नहीं लेंगे, उस भोग को उनका वाहन भैरव का वाहन स्वान होता है, कुत्ता होता है, दूसरे कुत्ते को वह भोग दे दे, जो भी गली का जो कुत्ता हो आप उसके सामने रोटी रहें, रोटी में गुड़ और घी जो थोड़ा बहुत हो वो रख दें, कुत्ता खा लेगा। ये लंबी छोड़ी है कि इसका वाहन स्वान क्यों है, ये तो लंबी कथा है, इसलिए वो एक अलग बात है। लोग तो पालते हैं कुत्तों को, गधे तक बिछाते हैं, और दो लाख में स्वान बिकते हैं, हमसे तो ज्यादा योग्य है, जो करते हैं क्या हो गया, बैरों की पूजा नहीं करते, स्वान पूजा तो करते ही, ऐसी बात नहीं। इसलिए इस प्रयोग को आपको संपन्न कर लेना चाहिए। अब दोनों हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म, लेकिन मां बोल रहा हूं, भ्रम नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्म बोल रहा हूं। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ये इस माला छोटे से माला 15-20 मिनट लगते हैं, और कभी आपको कोई
किसी पैसे मांगने हो जाना हो तो उस यंत्र को स्पर्श करते हुए मंत्र एक बार बोल के चले जाएं, कोई कोर्ट में केस हो या ऐसा कोई भी विपत्तिदायक कार्य हो, आप उस यंत्र को स्पर्श करके इस मंत्र को दो चार बार बोल के चले जाएं, आप देखें कितना फर्क पड़ता है। एक दिन टच करें बिना स्पर्श किए जाएं, एक दिन टच करें करके जाएं, अगर 70-80% डिफरेंस आ जाए तो समझ लीजिए कि यंत्र और मंत्र अपने आप में बहुत इफेक्टिव है। आप मंत्र से देख लीजिए, सुबह जो बाहर निकले आप स्पर्श कर सकते हैं उनको दोष नहीं। अब आंख खोलिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा सतनाम नाशोस्तु मित्राणाम वस्तवा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ऋण ब्रह्म वाक् शांति मनंतीं तस्त्वां अष्टांग सिद्धोंत्तम मनंती इंद्रा चत्वारो व्रते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वचिष्मायुषम आरोग्यम मा विधात्मान महिदे धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः श्री सदे लक्ष्मी सपत्नियां बहुरात्रे पाशन नक्षत्राणि व्यात्मा विष्णु मिखाणा मुमिखाण सर्वलोकम मिखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त बाधासुभिं भावन्मेवा यतस्वानुमनुग्रहे सुख शांति सौभाग्य मूल यजमान शिष्यत्व ग्रहे ताम पूर्णता प्राप्ता दिव्य तेजस्विता राजद्वारे सह संग्रामे पूर्ण साफल्यता मतुभ्यं संपर्दे।